ये क्वेश्चन जेई मेन 2023 के मैथमेटिक्स के 19 रॉन्ग क्वेश्चन में से 9th क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मिस्टेक ये है कि एनटीए वालों ने इसका आंसर 384 डिक्लेयर किया है, जबकि एक्चुअली इसका आंसर 180 है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, और वो फॉर्मूला ये है कि सपोज मेरे पास एन डिफरेंट थिंग्स हैं, आर डिफरेंट प्लेसेस हैं, और मैंने एन डिफरेंट थिंग्स को आर डिफरेंट प्लेसेस में ऐसे रखना है कि हर एक प्लेस पे कम से कम एक चीज तो जरूर आनी चाहिए। तो नंबर ऑफ एज इज गिवन बाय आर टू पावर एन माइनस आर सी वन आर माइनस वन टू पावर एन प्लस आर सी टू आर माइनस टू पावर एन एंड सो ऑन अप टू लास्ट में आएगा माइनस वन टू पावर आर माइनस वन आर सी आर माइनस वन। ध्यान रखो मैंने सपोज किया होगा कि एन डिफरेंट थिंग्स हैं, आर डिफरेंट प्लेसेस हैं, ऑब्वियसली एन की वैल्यू आर से तो बड़ी या बराबर ही होगी। यदि एन डिफरेंट थिंग्स हो और आर आइडेंटिकल प्लेसेस हो तो ऐसे क्वेश्चन को करने का वे अलग होता है, या फिर एन आइडेंटिकल हो आर डिफरेंट प्लेसेस हो तो ऐसे क्वेश्चन को करने का प्रोसीजर अलग होता है, या फिर एन आइडेंटिकल थिंग्स हो और आर आइडेंटिकल प्लेसेस हो तो ऐसे क्वेश्चन को करने का प्रोसीजर अलग होता है। इन सब की पूरी डिटेल के लिए आपको मेरा जेई लेवल का परमुटेशन कॉम्बिनेशन का वीडियो लेक्चर देखना होगा। अब मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट आर इज ए सेट कंटेनिंग एलिमेंट ए बी सी डी ई एंड एस इज अ सेट कंटेनिंग एलिमेंट 1 2 3 4। द टोटल नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस एफ टेक्स आर टू एस सच दैट एफ ए इज नॉट इक्वल टू 1 इज इक्वल टू। क्वेश्चन का मीनिंग है कि दो सेट आर और एस दे रखे हैं, एफ फंक्शन के लिए आर डोमेन है, एस कोडोमेन है, और हमने पता लगाना है कितने ऑनटू फंक्शंस ऐसे होंगे जिनके लिए एफ ए की वैल्यू 1 नहीं होगी। पहले तो मैं कुल मिला के कितने ऑनटू फंक्शंस होंगे वो निकाल लेता हूं, और उस टोटल में से उन फंक्शंस को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा जिसमें कि एफ ए की वैल्यू 1 होगी। टू डू दिस क्वेश्चन सबसे पहले तो मैं एरो डायग्राम बनाता हूं। सपोज ये है आर सेट, ये है एस सेट, इसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। पहले तो मैं कुल मिला के कितने ऑनटू फंक्शन हो गए वो कैलकुलेट करने जा रहा हूं। क्लियरली एन की वैल्यू यहां 5 है और आर की वैल्यू 4 है, क्योंकि मेरे को यहां से जो 5 एरोस निकलेंगी उनको इन 4 प्लेसेस में भेजना है, ताकि हर एक प्लेस पे कम से कम एक एरो तो पहुंचनी ही चाहिए। यूजिंग द फॉर्मूला दिस नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 4 to power 5 माइनस 4c1 3 to power 5 प्लस 4c2 2 to power 5 माइनस 4c3 1 to the power 5। दिस इज इक्वल टू 2 to power 10 माइनस 4 into 243 प्लस 4c2 की वैल्यू हो गई 6 into 2 to power 5 माइनस 4। That is answer आ गया 1024 माइनस 972 प्लस 192 माइनस 4, और इसकी वैल्यू आ गई 240। अब मैं क्वेश्चन करूंगा कि कितने ऑनटू फंक्शंस ऐसे होंगे जिनमें कि एफ ए की वैल्यू 1 होगी। अब दो पॉसिबिलिटीज अराइज होती हैं कि 1 पे दो एरोस पहुंच रही हूं, मतलब कि एक ही एरो तो पहुंच ही रही हो, इसके अलावा इनमें से किसी एक एलिमेंट की एरो भी यहां पहुंच रही हो, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी होगी 1 पे केवल एक ही एरो पहुंच रही है और किसी की भी एरो 1 पे नहीं पहुंच रही है। तो पहले मैं उतने ऑन टू फंक्शंस निकालूंगा जिनमें 1 पे केवल एक ही एरो पहुंच रही है और किसी की भी एरो 1 पे नहीं पहुंच रही। तो उसके लिए अब ये जो 4 एरो निकलेंगी उनको मेरे को इन 3 प्लेसेस पे भेजना है, ताकि हर एक प्लेस पे कम से कम एक एरो जरूर आए, बिकॉज मैं ऑन टू फंक्शंस की बात कर रहा हूं। तो अगेन यूजिंग दिस फॉर्मूला
निकलने वाली एरो चार है, पहुंचने के लिए तीन प्लेसेस हैं, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालने के लिए एन की वैल्यू हो गई 4 और आर की वैल्यू हो गई 3। तो फॉर्मूले के हिसाब से 3 to power 4 माइनस 3c1 2 to power 4 प्लस 3c2 1 to power 4, दिस इज इक्वल टू 81 माइनस 48 प्लस 3 इक्वल टू 36। तो 36 ऑन टू फंक्शन ऐसे होंगे जिनमें वन पे केवल एक ही एरो पहुंच रही होगी। और सेकंड पॉसिबिलिटी है वन पे एक ही एरो के अलावा किसी और की भी एरो पहुंच रही है, तो एक ही एरो तो वन पे चली ही गई। अब दूसरी एरो वन पे जाएगी वो बी सी डी ई किसी एक की होगी, तो इन चारों में से कोई एक एलिमेंट 4c1 बेस में चूज किया जा सकता है। से मैंने बी को चूज कर लिया, बाकी तीन एलिमेंट्स की एरो इन तीन प्लेसेस में 3 federal ways में जा सकती है, दैट इज 24। तो 24 ऑन टू फंक्शंस ऐसे हो गए जिनमें ए की एरो वन पे गई है और बी सी डी ई में से किसी एक की एरो वन पे गई है और बाकी की एरो 2, 3, 4 पे गई हैं। लेकिन ये ध्यान दो, ऐसा केस अराइज नहीं होगा कि वन पे तीन एलिमेंट्स की एरो पहुंच जाए, क्योंकि यदि तीन एलिमेंट्स की एरो यदि वन पे पहुंच गई तो बाकी दोनों एलिमेंट्स की जो एरो है इन तीनों प्लेसेस को कवर नहीं कर पाएगी, तो फंक्शन ऑन टू नहीं रहेगा। तो ऐसा ऑन टू फंक्शन पॉसिबल ही नहीं है जब वन पे तीन एलिमेंट्स की एरो पहुंच जाए। तो मैंने पता लगाए कि 36 प्लस 24 वो ऑन टू फंक्शन है जिनमें एफ ए की वैल्यू 1 है, और हमने क्योंकि कुल मिला के 240 ऑन टू फंक्शन कैलकुलेट किए थे, तो 240 माइनस 24 माइनस 36 की वैल्यू आ गई 180। तो 180 ऑन टू फंक्शन ऐसे हो गए जिनमें कि एफ ए 1 के बराबर नहीं होगा, जबकि इस क्वेश्चन का आंसर एनटीए ने 384 डिक्लेयर किया है।